है फ्रंट साइड होटल का जो मेन एंट्रेंस, जहाँ से हमने यहाँ से एंट्री करी थी, एंड ये है कुछ बाहर से ऐसा कुछ लगता है। यहाँ से ही अपना सैलेट वाला एरिया आ गया यहाँ पे, और इधर की तरफ ये सारे अपने मेन कोर्स वगैरह आ जाएंगे। आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, स्टीम राइस और ये अपने स्टार्टर वगैरह हो गए सारे। ये लाइव गलौटी स्टेशन है, इसके बाद आपका ये लाइव डिमसम वाला स्टेशन है, और इस तरफ देखेंगे तो और भी जैसे वराइटीज है, पनीर चीला है, ये सब आएगा। और यहाँ पे ये चिकन, एंड ये अपना आइसक्रीम स्टेशन है। ये सब टॉपिंग्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी, वनीला वगैरह, ये सब यहाँ पे आप कोन वगैरह में डाल के ले सकते हैं। तो आइसक्रीम पुडिंग और ये रबड़ी, एंड मेरा ऑल टाइम फेवरेट एरा चॉकलेट फाउंटेन। तो ये सब इसके डेजर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये सारे रेड वेलवेट केक है, एंड लाइक दी स्मॉल कपकेक्स टाइप। एंड इस तरफ भी केक है, कोई बहुत टेम्पटिंग है यार देखने में। एंड स्टार्टर्स अभी मंगा के देखते हैं अपनी टेबल। ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। ब्लॉग करते करते मैंने जो पास्ता ऑर्डर करा था वाइट सॉस, वो भी आ गया, तो भी खाते हैं और ट्राई करते हैं। एक बार ये लेके देखते हैं, और एक ब्राउनी के साथ ट्राई करते हैं। तो ये इनका आउटसाइड एरिया है, जैसे कि इधर आप देख सकते हो, ये इनका आउटसाइड एरिया। तो मैं बस वैसे ही चेकआउट करने आया था कि बाहर कैसा क्या है, कैसा लग रहा है बाहर। आपको एक बार पीछे से दिखाता हूँ बैक कैमरा से, व्यू देखो यार। अगर नाम भी ग्रैंड है तो फिर जगह भी ग्रैंड ही है। बहुत बड़ा स्पेस है यार, बहुत बड़ा। खाना वाना हमने खा लिया, बस अभी मैंने सोचा है बाहर का एक टूर लगाया जाए और देखा जाए प्रॉपर्टी कैसी है, होटल कैसा है। तो बस यही देख रहे थे अभी, और आपको बाकी एरिया दिखाता हूँ। इधर की तरफ भी एक एरिया है, गार्डन टाइप का ये। अगर लाइक किसी को स्मॉल वेडिंग वगैरह कुछ भी करानी हो तो यार यहाँ करा सकते हैं।
मैं बस एक अपने तरफ से ओपिनियन दे रहा हूँ, ये मत सोचना है प्रमोशन कर रहा हूँ कोई। ये ऐसा कुछ व्यू इस होटल का, बहुत अच्छा है और एम्बियंस को उससे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ है और वैसे भी लोकेशन भी बहुत पास है। देखो फ्लाइट इतनी पास लग रही है हमारे यहाँ से। पहले बचपन में जब भी कोई फ्लाइट देखते थे ना, सारे दोस्त यार पीछे भागते थे फ्लाइट में से, बाय बाय करते थे उसे कि जो भी बैठ के फ्लाइट में देख रहा हो वो भी हमें बाय करे। तो बस यही, इतने पास से फ्लाइट देख के ना मेरे को अपना बचपन वाला किस्सा याद आ गया कि हम भी यार पीछे भागते थे पूरा एंड तक, जहाँ तक हमें वो दिखता था वहाँ तक भागते थे उसके पीछे। ये भी एक इनका पूल एरिया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आप डाइनिंग वगैरह कर सकते हो। और ये है कुछ एरिया इनका पूल वाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्यू बहुत अच्छा है इस होटल का। तो ये था एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों के लिए। और द ग्रैंड ये अपना वसंत कुंज के यहाँ पे, और जो हमारा बिल आया अभी यहाँ पे वो आया 13,000 और आई थिंक वर्थ इट है। बट खाना मेरे को थोड़ा सा वो हुआ, तो वो मैं बाकी आपको रिव्यू बताता हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरी इस वीडियो में एंड तक पहुँच गए, मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इसमें मैं गया था ग्रैंड जो कि है वसंत कुंज में, तो वहाँ पे हमने लंच लिया था, मैं और मेरी फैमिली गए थे साथ में। तो मेरे को लाइक, अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, तो मेरे को खाना 19-20 लाइक थोड़ा बहुत मेरे को कमी लगी उसमें, और बट बाकी सब बहुत अच्छा था। एम्बियंस वहाँ पे, सर्विस वहाँ पे, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे, और लाइक सब अच्छा था वहाँ पे। बस एक दो मेरे को कमी लगी थी, कोको खाना बहुत ठंडा था। तो ये था, बाकी जो जगह है, प्लेस है, वो बहुत अच्छी है। मैंने आपको वीडियो में व्यू दिखाया ही है कि उसका व्यू और लोकेशन कैसी है। बहुत पास है मेरे घर से, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं, 15-20 मिनट लगा होगा यहाँ से जाने में। और लाइक अच्छा था मेरे लिए एक्सपीरियंस, अच्छा था। लाइक आउट ऑफ 20 मैं इसको 18 रेट करूँगा इस लंच को और उस होटल को। तो वो प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, मैंने आपने वीडियो में देखी, उसमें पूल है, सब कुछ है सब कुछ। और अगर मैं वहाँ पे अगेन विजिट करता हूँ तो आपको वहाँ पे रूम टूर भी दिखाऊंगा, वहाँ पे रूम्स कैसे हैं एंड वहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है अगर आप वहाँ पे रूम लेते हैं या स्टे करते हैं। तो आपने मेरी आज वाली वीडियो में आपने देखा ही था वहाँ पे खाना क्या क्या था और कैसा था, और आपको इस होटल का भी आइडिया मिल गया कि आपको लाइक बफे में क्या क्या मिलेगा एंड ऑप्शंस क्या क्या आपके पास रहेंगे। तो बस इतनी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, और आई नो वीडियोस बहुत बहुत लेट आ रही हैं, और क्योंकि मेरे लाइक जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया था, उसके बाद उसको ठीक कराने के लिए दिया, वो मेरे को अभी मिला है। अब ये ठीक हुआ तो फिर मेरा जो जिसमें मैं एडिटिंग करता हूँ वो वाली ऐप ख़राब हो गई, तो मैंने जितनी भी वीडियोस उसमें एडिट करके रखी थी वो सारी उड़ गई। तो लाइक हाँ, हर जगह से पॉपअप हो रहा है, तो ये है। बाकी मिलते हैं आपसे एक बहुत जल्दी वीडियो में, और टिल देन प्लीज सब कराए। तो बाकी आपको पता ही है ड्रिल, आपने वीडियो में देख ही चुके हो। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।